जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो हमारी मैथ की क्लास चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एज, आयु। ठीक है, एज रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है सबसे मस्त चैप्टर, अब ये सबसे मस्त चैप्टर क्यों है पहले वो आपको बता देता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है और आपके मैथ में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस हमेशा फिक्स है। कभी ध्यान से सुन रहे हो, कभी रीजनिंग में कभी मैथ में, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चंस हार्ड नहीं पूछे जाते। फिर रीजनिंग में आता है तो हार्ड नहीं आता ना, तो ये है। और बड़े ही आसान तरीके से आज मैं आपको समझाने वाला हूं, जिसको आप बोल सकते हो बड़े ही सिंपल ट्रिक से आज आपको समझाने वाला हूं। बस ध्यान से देखते रहना, स्टार्टिंग के तीन क्वेश्चंस देख लेना और जो हम बोल देते हैं उसके बाद आप सभी को समझ में आना शुरू हो जाता है, ये आप सभी जानते हो। तो तीन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद आप आसानी से लेके जाओगे। और जो आपका टारगेट है चाहे वो मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, क्योंकि कभी मैथ में आता है कभी रीजनिंग में आता है, उसमें कोई कमी हम आने नहीं देंगे। तो आज क्लास को ध्यान से जरूर देखना और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं क्लास की भावनाओं में खो जाते हैं, ठीक है, और लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक क्या करो, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उससे पहले हम आपको मोटिवेट कर देते हैं, आप तो लाइक करके मोटिवेट करोगे। हार हारने वाले को हराती है जबकि जीतने वाले को प्रेरणा देती है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले किसी एग्जाम में फेल हुए हैं लेकिन वो हार मान चुके, तो आपको हार नहीं माननी, हार आपको एक प्रेरणा देती है, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, आपको ये बता देती है कि इस वजह से तू हारा है, अब उठ खड़ा हो और चल और जीत के दिखा। ये होती है हार का सही मतलब। हारना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, क्योंकि बिना हारे कुछ मिल जाता है ना तो उसकी वैल्यू कदर नहीं होती, ठीक है। तो आपको हारना पड़ गया तो आपको अब उठ के और अब करना है कुछ, ठीक है, जीतना है अब। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन से ही आपको समझा दूंगा, इसमें कुछ बेसिक समझाने वाला ही नहीं है। अगर बेसिक समझाऊंगा तो वो सिर्फ आपको लगेगा कि बस है तो बेसिक लेकिन टाइम वेस्ट होगा। हम इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को कि बेसिक आपको समझना ही नहीं पड़ेगा। देखिए क्या है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाए आपको लिखते हुए जाना बस, ठीक है, जैसे जैसे बोला जाए आपको लिखते हुए जाना है। और बात नोट कर लेना, पहले बोल रहा हूं स्टार्टिंग के तीन देख लो, उसके बाद आप खुद करने वाले हो, ठीक है। आपसे क्वेश्चंस भी जरूर पूछूंगा, आपको जैसे पता है तो आप कमेंट सेक्शन भर दोगे आंसर से। स्टार्टिंग के तीन क्वेश्चंस ध्यान से देख लेना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5। तो यहां पर लिखते हैं ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5 है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए क्या है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रम से 5:6 हो जाएगा। अब अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 5 वर्ष बाद। इसको हम साइड में लिख लेंगे ताकि हमें पता चले 5 वर्ष बाद जो अनुपात हुआ है वो कितना हो गया, 5:6 हो गया। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी यह हमें बताना है। कुछ नहीं किया हमने, जैसे बोला कि पहले वर्तमान अनुपात था वो हमने लिख दिया, 5 वर्ष बाद का अनुपात था वो हमने लिख दिया, और उसके सामने हमने लिख दिया कि ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है। तो यहां पर एक चीज आ रही है, क्या हुआ कि 5 से ये क्या हो गया 6 हो गया, और 4 से हो गया क्या ये 5 हो गया। मतलब इधर भी एक अनुपात बढ़ा है और इधर भी एक अनुपात बढ़ा है। नोट कर लेना ये बात, दोनों जगह अगर बराबर बढ़े हो अनुपात, कि इधर भी सेम बढ़ा है और इधर भी सेम बढ़ा है, तब क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर बोला एक अनुपात बढ़ा है। एक अनुपात कितने साल में बढ़ा है, 5 वर्ष बाद दिया गया ना, मतलब 5 साल में बढ़ा है। तो एक अनुपात बढ़ा है 5 साल में, तो एक अनुपात का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब हमसे पूछा गया है एक ही वर्तमान आयु, तो ये वाला जो अनुपात था 4:5 ये हमारा वर्तमान वाला था, तो एक ही वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4, तो एक बराबर 5:5, एक अनुपात बराबर 5 वर्ष, तो 4:5 बराबर क्या हो जाएगा 4×5 यानी कि 20 वर्ष, ठीक है, क्या हो जाएगा 20 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगर आपसे बी का पूछेगा तो बी का वर्तमान कितना है 5:5, तो 5×5 तो कितना हो जाएगा आपका 25 वर्ष हो जाता अगर बी का पूछता, और 25 वर्ष भी आपको ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक है, इसलिए दिया जाता है, कुछ स्टूडेंट बी का निकाल दे फिर गलती हो जाए इसलिए दिया जाता है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। रिपीट करवाता हूं क्योंकि स्टार्टिंग के तीन क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। ए और बी का अनुपात कितना था 4:5 दिया गया, और ये हमारा कौन सा अनुपात है, वर्तमान का अनुपात है।
इसमें बाद में क्या बोला गया कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, मतलब यहां से भी आपका 1:1 इंक्रीज हुआ, यहां से भी आपका 1:1 इंक्रीज हुआ। तो 1:1 कब इंक्रीज हो रहा है, कब बढ़ रहा है, 5 साल के बाद। तो 1:1 को बढ़ने में लगते हैं 5 साल, तो मतलब 1:1 बराबर कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। तो हमसे यही पूछा है एक की वर्तमान आयु कितनी है, तो एक की वर्तमान वाला कितना था अनुपात, 4:1। तो 1 बराबर 5, 4 बराबर क्या हो जाएगा, 20। बी का पूछता तो बी का 5:1 है, 1 बराबर 5, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। लेकिन ये नोट कर लेना, ये चीज कब अप्लाई होगी, जब दोनों के बीच का अनुपात सेम होगा। फिक्स नहीं है, एक हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो 5 हो 10 हो कितना भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए सेम, मतलब कि एक जैसा होना चाहिए। अगर इधर 2 है तो इधर 2, इधर 1 है तो इधर 1, इधर 5 है तो दूसरी तरफ भी 5, इस तरीके का होना चाहिए। सेम क्वेश्चन ऐसा ही और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। क्या है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, क्रमशः 14:17 है। तो क्या है, विशाल और शेखर V और S मान लेते हैं, ठीक है, आप विशाल और शेखर लिख लेना। क्या है कि 14:17 है, 14:17 है, और ये कब का है, ये है आपका वर्तमान का, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है वर्तमान वाला, जैसे बोला जाए वो हमको लिखना वर्तमान का है। इसके बाद क्या है कि 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17:20 हो जाएगा, कब होगा, 6 वर्ष के बाद। तो हम यहां पर लिख देंगे जो ये अनुपात है वो कितने वर्ष बाद का है, 6 वर्ष बाद का है, तो ये इसके साइड में लिख देंगे ताकि हमें याद रहे। तो आगे पूछा है तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें बताना है। तो देखिए यहां पर अनुपात 17 से 20 हुआ मतलब 3 बढ़ा, अनुपात 14 से 17 हुआ मतलब 3:1 बढ़ा है, इधर भी 3 बढ़ा है, इधर भी 3 बढ़ा है, दोनों तरफ बराबर बढ़ा है। तो 3:1 कब बढ़ा है, कितने सालों में बढ़ा है, 6 साल में, ठीक है, क्योंकि इससे ये कब हुआ, 6 साल बाद, तो 6 साल बाद मतलब 6 साल जोड़ा गया है। तो 3:1 बराबर कितना है, 3:1 बराबर है आपका 6 वर्ष, तो 1:1 बराबर हो जाएगा आपका 2 वर्ष। बात समझ में आ गई। अब हमसे पूछा किसका गया, हमसे पूछा शेखर का, तो शेखर हमारा पहला है, वर्तमान का पूछा है, क्या पूछा है, शेखर की वर्तमान आयु, इसमें भी नोट कर लेना कौन सी पूछी गई है, ठीक है, यहां पर वर्तमान पूछिए, तो शेखर की वर्तमान ये है आपकी, तो 1:2, तो 17:17 × 2 कितना हो जाएगा, 34 वर्ष आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। तो शेखर की क्या आ गई यहां पर, 34 वर्ष आ गई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगी। अगर आपसे यहां पर विशाल की पूछ लेता तो विशाल कितना था, 14:1 था, तो 1:2 है, तो 14:1 कितना हो जाता, 14 × 28 वर्ष, और ये आपको ऑप्शन में हमेशा दिया जाता है, मैंने जैसे बताया ना कि दिया जाता है, ये हो गया आपका 28 वर्ष। तो विशाल की पूछता तो 28 हो जाती, शेखर की पूछा है तो कितनी होगी, 34 वर्ष होगी, यही हमें बताना था। ये टाइप नंबर फर्स्ट समझ में आ गई किस तरीके से हमें करना है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो देखिए क्या है कि मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु 3:4 है, ठीक है, और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मीरा और प्रिया है, तो मीरा जी और प्रिया जी हमने लिख लिया और इनका अनुपात हमें दिया गया है, क्या अनुपात है, 3:4, 3:4 ये है अभी आपका वर्तमान। इसके बाद क्या है, 10 वर्ष पूर्व, अब क्या है, 10 वर्ष पूर्व दिया गया है, पूर्व का मतलब होता है पहले, 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:7 था, कितना था, 4:7 था, बात समझ में आ गई, 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद क्या पूछा है, पहले तो वर्तमान पूछा था, पूछ रहा है 5 वर्ष बाद का। अब देखिए इसमें एक बात, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, एक्स वाई करना चाहो आप उससे निकाल सकते हो, जिसको भी निकालना है उससे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैंपियंस उससे नहीं निकालेंगे, ठीक है, उससे निकालोगे तो आपकी बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है, और एक्स तो आप सभी को पसंद नहीं है, मुझे पता है एक्स आपको पसंद नहीं है, ईमानदारी से बताना किस किस को एक्स पसंद है, ठीक है भी तो मैथ के क्वेश्चन आपको नहीं निकालना, ठीक है। तो ये है, ये थी 10 वर्ष पहले की और ये है 10 वर्ष बाद का, ये 10 वर्ष पहले का है और ये वर्तमान का है, मतलब 10 साल लग गए इसको बनने में, तो ये ज्यादा होगा अनुपात,
ठीक है। तो यहां पर एक तरीका है, अब देखिए तरीका क्या है, इसको छोड़ते हैं, तरीके को छोड़िए आप। यहां से चार से सात हुआ मतलब तीन बड़ा, यहां से तीन से चार हुआ यहां पर एक बड़ा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये गलत है, ठीक है, बराबर नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा। तो बराबर नहीं आ रहा तो जो पहले वाली ट्रिक आपकी काम करेगी नहीं, तो पहले वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, तो सर कौन सी ट्रिक लगानी है फिर? बराबर नहीं आता, देखिए दूसरी टाइप है, मैंने बोला था तीन टाइप सिखाऊंगा उसके बाद आप निकाल दोगे, तो दूसरी टाइप है ध्यान से देखना। अगर सेम होता तब तो हम बेसिक से कर देते जो हमने अभी किया था, अगर सेम नहीं है तो क्या करना है, इसका अंतर देखते हैं कितने का है, तीन का है, और इसका अंतर देखते हैं एक का है। तो नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाली संख्याओं को गुना कर देंगे और ऊपर वाले अंतर से नीचे वाली संख्याओं को गुना कर देंगे, कितना भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे 10 हो यहां पर 15 हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कम ज्यादा कहीं पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका तीन अनुपात है तो उसको गुना करेंगे तो कितना होगा 9, और इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, क्योंकि तीन से गुना किया तो 9 हो गया, तीन से गुना किया 12। इसको क्या करना है, एक से गुना करना है तो ये होगा आपका 4, और ये एक से होगा तो ये होगा आपका 7, ये इनका अनुपात हो गया। अब देखिए अब यहां पर बराबर आ रहा होगा, 4 से 9 हुआ मतलब 5, 7 से 12 हुआ मतलब 5। अब ये उल्टा कैसे आ रहा है, पहले वाले में हमने तो किया था यहां पर, तो क्या था यहां पर 17 से 20 था, बढ़ रहा था, लेकिन इसमें उल्टा क्यों है, सॉरी इसमें हमारा उल्टा क्यों है, क्यों, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले का इसमें दिया हुआ है, बाद का दिया हुआ था तब नीचे आता, पहले वाला तो कम होगा ना, आपको पता आज से 10 साल पहले आपकी आयु कम थी या ज्यादा थी, इससे कंफर्म कर सकते हो, मैं आपको एक आइडिया देता हूं, आप बताओ आपकी एज कम थी या ज्यादा थी 10 साल पहले, कम थी ना, तो ये 10 साल पहले का है नीचे वाला, तो क्या होगा कि अनुपात कम ही होगा। तो यहां से आप देखिए कितना आ गया, 5 आ गया, यहां से आ गया 5, बराबर हो गया ना, तो 5 अनुपात हो गया। बराबर होते ही आपके दिमाग में जो शैतानी वाली घटनाएं है वो होने लग गई कि पहले कैसे करते थे, बस वैसे ही करना है, 5 अनुपात बराबर 10, 5 कब बढ़ रहा है अनुपात 10 साल में, तो 5 अनुपात बराबर 10, 1 अनुपात बराबर क्या हो गया 2 वर्ष, 1 अनुपात बराबर क्या हो गया आपका यहाँ पे 2 वर्ष हो गया, 1 अनुपात बराबर 2 वर्ष। अब हमसे पूछा किसका है, हमसे मीरा का पूछा है, तो पहले मीरा जी का यहां पर निकाल लेते हैं, मीरा जी का अगर यहां पे निकाले, मीरा जी ये वाली है तो 9 अनुपात है, तो 9 को 2 से गुना करेंगे कितना आ गया आपका 18। अब इसमें नहीं करना क्योंकि अब हमने अनुपात ये बना लिया ना, तो ये हो गया 18 वर्ष, और यहां पर कितना हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये किसका है, ये अभी आया वर्तमान का, वर्तमान का अगर वर्तमान आयु पूछी होती तब तो हम ये कर देते, लेकिन इसने क्वेश्चन ने और अच्छा क्वेश्चन बना दिया, क्या है कि 5 वर्ष बाद अब आपकी एज है, क्योंकि मीरा की बतानी है, मीरा की एज है 18, अब आपकी एज है 18, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 5 जोड़ देंगे तो 18 5 क्या हो जाएगा 23 वर्ष हो जाएगा। और अगर इसकी पूछेगा तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 29 वर्ष हो जाएगा। जैसे मैंने बोला दोनों का ऑप्शन में दिया जाता है, एक सही होता है एक नहीं होता, तो इसका आंसर हो गया आपका 23 वर्ष। फिर से रिपीट करवा देता हूं क्योंकि टाइप दूसरी है, समझ जाओगे फिर तो आगे निकाल ले जाओगे। मीरा और प्रिया का दिया हुआ था कितना 3:4 था, और ये वर्तमान का दिया हुआ था। इसके बाद बोला 10 वर्ष पूर्व का अनुपात है 4:7, अंतर सेम नहीं था, तो जो नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाले को गुना किया, ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को गुना किया। अब क्यों गुना करते हैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि इससे बराबर बन जाता है, जो अनुपात है वो बराबर बन जाता है, और यहां पर हमारा बराबर बन गया कितना 5:5 बन गया, 5 अनुपात बढ़ रहा है कितने वर्ष में 10 वर्ष में, तो 5:10 1:2 हो गया। यहां पर इसका बताना था तो 9:18 और 12:24, ये आगे इनकी वर्तमान वाली, ठीक है वर्तमान वाली। 10 वर्ष पहले वाली पूछता तो हम इससे गुना करते हैं, तो कर सकते हो देखिए कितना होता 8, इससे करते तो कितना होता 14। आप देखिए अभी 18 है, 10 वर्ष पहले 8 ही होगी ना, क्योंकि 10 जोड़ते ही 18 हो गया, 14 थी 10 जोड़ते क्या हो गया 24 हो गया। अब इसमें 5 साल बाद की पूछिए तो 18 में 5 और जोड़ देंगे तो 23 वर्ष क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात पल्ले पड़ गई, बस 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 इतने तो चैंपियन हो आप, उखाड़ ले जाओगे अब नहीं छोड़ोगे। देखिए क्या है कि 7 वर्ष पूर्व अभी थोड़ा और अच्छा बन गया, थोड़ा और अच्छा बन गया। अभी तो हमने क्या पढ़ा था वर्तमान, बाद का, पूर्व का पढ़ लिया, अब देखिए इसमें और अच्छा मिलेगा। क्या है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है, ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है 4:5 है, और ये कब है 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले,
सात वर्ष पूर्व यानी सात साल पहले था। आगे क्या है कि सात वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। कितना होगा? 5:6 होगा। और ये कब होगा? सात वर्ष के बाद होगा। ठीक है, सात वर्ष के बाद होगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें बताना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं, 5 से 6 हुआ, 1 इंक्रीज हुआ, 4 से 5 हुआ, 1 इंक्रीज हुआ। अब आपके दिमाग में खुजली मच गई कि हाँ सर अब तो कर देंगे, पता है हमें अगर बराबर आता तो कैसे करता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्या हमें ये 7 साल पहले की है। जैसे ये आपकी वर्तमान आयु है, ठीक है, आपसे ये आइडिया लगा लेना ये आपकी वर्तमान आयु है। आपकी 7 साल पहले कोई आयु रही होगी, उसका अनुपात हमें 4:5 दिया गया है। और आज से आपकी 7 साल बाद कोई आयु रहेगी, उसका अनुपात इन्होंने 5:6 दिया है। तो इसका मतलब है ये आपकी वर्तमान वाली है, तो इससे 7 साल पहले और 7 साल बाद, तो कुल कितने वर्षों का अंतर आ गया यहां पर? 14 वर्ष का। ये बात नोट कर लेना, कितने वर्ष का आ गया? 14 वर्ष का आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि यहां से 7 साल पहले की बात हो रही है, 7 साल बाद की बात हो रही है। तो 7 साल के ये हो गए, 7 साल ये हो गए, तो कितना हो गया आपका यहां पर? 14 वर्ष हो गया। बात समझ में आ गई? बात कंफर्म होगी सभी को। और दूसरा ट्रिक क्या है कि अगर दोनों अलग अलग हो, यहां पर पूर्व की बात हो रही है, यहां पर बाद की बात हो रही है, पहले की और बाद की बात हो, तो दोनों को जोड़ देना। दोनों सेम सेम हो, बाद बाद हो, तो घटा देंगे। पूर्व पूर्व हो तो घटा देंगे। तो दोनों अलग हैं तो जोड़ देंगे 14। तो यहां पर क्या है, 1:1 बढ़ रहा है दोनों में। तो 1:1 कब बढ़ रहा है, कितने वर्षों में? 14 वर्ष में बढ़ रहा है। तो 1 वर्ष का मान, 1:1 का मान इस बार क्या आ गया? 14 आ गया। समझ में आ गया ना? 14 कैसे आया, 14 वर्ष किस तरीके से आया, आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, क्योंकि 7 साल पहले की 7 साल बाद की, दोनों अलग अलग है तो जोड़ दिया। तो 1:14, क्योंकि 1:1 का बढ़ रहा है, 14 वर्ष में बढ़ रहा है। अब हमें बताना किसका है, पहले इसका निकाल लो या किसी का भी निकाल लो आप, ये क्योंकि हमें वर्तमान की आयु पूछी है ना। तो पहले किसी का निकाल लो, इसका निकालोगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसका निकालोगे तो इसमें घटाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले से ही हम हमेशा करते हैं, तो उसी से कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 14 चौके 56, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 14 पंजे 70। ये आपकी हो गई 7 साल पहले की। कब होगी? 7 साल पहले की। अब की पूछिए तो इसमें 7 जोड़ेंगे, तो 56 और 7 कितना हो गया? 63। और ये कितना हो गया आपका? 77। तो ए की पूछी है हमसे, बी की पूछिए तो बी की हो जाएगी 77 वर्ष। ए की पूछता तो ए की कितनी है? 63 वर्ष। ये भी आपको ऑप्शन में हमेशा दिया जाता है, देख सकते हो, ठीक है। किसी का भी पूछे, हमने क्वेश्चन सोल्व करना आ गया, तब ए की पूछे, बी की पूछे, बाल का पूछे, पहले का पूछे, हम निकाल देंगे, ठीक है। इसमें चाहिए सही, हमसे यहां पर वर्तमान की पूछी है, बाद की पूछता तो हम नीचे वाले से गुना करते ताकि आपको पता चल जाता। इसमें पूछता कि 7 साल बाद उसकी आयु कितनी है, तो पहले की पूछता तो ऊपर वाले से गुना कर देते, ठीक है। और आपसे वर्तमान की पूछी है तो आप ऊपर वाले से गुना कर लो या नीचे वाले से गुना कर लो। ऊपर वाले से हमने गुना किया तो वो पहले की है, 7 साल पहले की बात हो रही है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे? 7 साल जोड़ेंगे। तो इसलिए हमारा 56 आया था, उसमें हमने 7 जोड़ा तब हमारा 63 आया, ठीक है। उसी तरीके से अगर नीचे वाले में करते तो नीचे वाले में कर लो, सेम आएगा। देखिए 14 पंजे कितना हो गया? 70 हो गया। अब इसमें से क्या करना है? 7 साल घटानी है, तो 7 साल घटाओगे तो आपका कितना आएगा? 63 आएगा। तो इससे कंफ्यूज मत होना सर, ऊपर वाले से गुना करें या नीचे वाले से, किसी से कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइप समझ में आ गई, क्वेश्चन से मजा आ गया, ठीक है। आगे देखिए, अब आपके लिए लेके आ चुके हैं सीमा और रीमा जी की आयु का अनुपात 9:16 है। तो यहां पर हमारी सीमा जी हैं और उनके साथ में रीमा जी हैं, दोनों बहनें हैं प्यारी प्यारी, और उनका नाम है, उनका अनुपात है कितना? 9:16, ठीक है। आगे है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 2:3 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है ये हमें बताना है। तो एक 10 वर्ष बाद की है, 10 वर्ष बाद, तो आपको पता है कि 10 वर्ष बाद वाले में अनुपात बढ़ेगा, जो एज है वो बढ़ेगी। तो इसमें क्या करना है, यहां पर अंतर देखोगे तो सेम नहीं आ रहा, यहां देखिए 7 आ रहा है, यहां पर देखेंगे तो 13 आ रहा, सेम नहीं आ रहा। तो क्या ट्रिक है? इसके अंतर से ऊपर वाले को गुना और ऊपर वाले अंतर से नीचे वाले को गुना। 9 7 16 होता है ना, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो आपका 9:16 ही रहना है। नीचे वाले को 7 से करेंगे तो कितना आ गया? 14:21 आ गया। यहां से 5 इंक्रीज हुआ, यहां से आपका 5 इंक्रीज हुआ, 5 बढ़ रहा है कितने पे? 10 वर्ष बाद। तो 5:10, 1:1 क्या हो गया? 2 हो गया।
अब हमें इसका बताना है, तो इसका बताना है, सॉरी हमको दोनों का ही बताना है ना, पहले दोनों का निकाल लेते हैं फिर जो पूछा वो निकाल देंगे। तो 1:2 हो गया, तो 9:1 कितना हो गया 18, और 2:1 है, 1:2 है, तो 16:1 कितना हो गया 32। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये 18 साल की है, ये 32 साल की है, एक है 18 साल की, एक 32 साल की, अंतर कितने का है वो निकाल दो। या तो अगर आप इनका अलग नहीं निकालते, आपने पहले पढ़ लिया इस क्वेश्चन को कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो ना कि इनमें 9 और 16 में कितने का अंतर है 7 का, तो 1:2 है, तो 7:1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 वर्ष। ठीक है, और यहां पर देखोगे तो 18 और 14 ही 32 होते हैं। कैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा जल्दी निकल जाएगा बस यही बात है, लेकिन आपको पूरा निकालना आना चाहिए ना। आप कुछ भी पूछ ले, आपसे ए की पूछ ले, बी की पूछ ले, 5 साल पहले की, 5 साल बाद की, अंतर पूछा तो अंतर भी निकाल देगी, तो ऐसे कर लिया तो कुछ भी निकाल दो फिर, तो कुछ भी पूछ ले। ठीक है, लेकिन अंतर पूछा तो डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 9 और 7 जितना अनुपात का अंतर होगा वही आपकी एज का अंतर होगा, तो 7 का अंतर है, 1:2 है, तो 7:1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि 1 वर्ष पूर्व सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था, तो यहां पर सानिका जी हैं, ठीक है, और यहां पर गौरी जी हैं, इनका अनुपात कितना है 3:4 है। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा, कितना होगा 10:13 होगा, अब 1 वर्ष बाद, ठीक है 1 वर्ष बाद होगा। तो आगे देखिए क्या है, तो हमसे पूछा है इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा, तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, क्या क्वेश्चन मुझे बताने लायक है, क्या मैं आपको समझाऊं इस क्वेश्चन को, नहीं ना, समझ गए ना आप, चैंपियंस बनने लग गए ना इस चैप्टर के भी, आप चैंपियंस बनने लग गए ना, चाहे रीजनिंग में आएगा मैथ में आएगा 4 डालोगे, तो अभी देख लेते हैं कितने स्टूडेंट 4 डालते हैं। कमेंट सेक्शन आपका आंसर से भर जाना चाहिए, ऑप्शन भी आपके सामने है, तो देखते हैं कितने चैंपियंस हमारे निकालते हैं। यहां पर सिर्फ 1 साल की बात हो रही है, बड़ा सिंपल सा निकाल देना, आंसर कर देना, ठीक है, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। ठीक है, फिर देख सकते हो एक बार, इसको रोक देते हैं क्योंकि आपको सोल्व करना है ना, या आप वीडियो को रोक के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रोको, ठीक है, सोल्व करो और आंसर कमेंट करो, फिर आगे वीडियो आपके लिए चलता रहेगा, ऐसा नहीं रुक जाएगा वीडियो, नहीं रुकेगा वीडियो, चलता रहेगा। ठीक है, तो आंसर आपका कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, इतना बड़ा है भी नहीं, ठीक है, इतना बड़ा भी है नहीं, सिंपल सा है। तब तक एक बात बता देता हूं, हमने देखा है कि जितनी बार भी हमारा है मोस्टली क्या है, लड़कियां आई है यहाँ पर, जैसे सानिका जी, गौरी जी, ठीक है, पिछला में रीमा जी, सीमा जी, तो क्यों, क्योंकि लड़कियों को एज से थोड़ा होता है ना, एज छुपाने का थोड़ा कीड़ा होता है, तो वही चीज है। ठीक है, नाराज मत हो ना सभी। क्या है कि एक व्यक्ति और उनकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, तो एक व्यक्ति है और उनकी पुत्री, यानी फादर है और सन है, सॉरी डॉटर है, उनकी क्या है आयु का औसत 34 वर्ष है, तो 34 वर्ष है आयु का औसत, तो दो लोग हैं तो कुल वर्ष कितना हो जाएगा 68 वर्ष हो जाएगा। देखिए टाइप नंबर 3 आ चुकी है आप सभी के लिए, टाइप नंबर 3 आ चुकी है, तो तैयार रहो सीखने के लिए। तीसरी टाइप क्या है कि एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, तो औसत आयु 34 वर्ष है तो मतलब कुल आयु कितनी हो जाएगी 34, दो लोग हैं तो 34 × 2 68 वर्ष होगी दोनों की। आगे है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा, कितना होगा 14:5 होगा, और कब होगा ये 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष के बाद होगा। आप देखिए अभी आपकी दोनों माता पिता है, सॉरी जो पिता और पुत्री है, दोनों की आयु कितनी दी हुई है 68 वर्ष दी हुई है अभी वर्तमान में, 4 वर्ष बाद बोला है तो 4 वर्ष पिता की भी बढ़ जाएगी और 4 वर्ष पुत्र की भी बढ़ जाएगी, तो 8 वर्ष यहां पर बढ़ जाएगी, तो 8 वर्ष यहां पर बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 76 वर्ष हो जाएगी आपकी, यहां पर कितनी वर्ष हो जाएगी यहां पर 76 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 4 यहां से बढ़ गई पिता की और 4 वर्ष किसकी बढ़ गई पुत्री की बढ़ गई, तो कितना हो गया यहां पर 76 वर्ष हो गया। आगे देखिए क्या है, तो ये आपका दिया हुआ है कि ये अनुपात हो जाता है, तो कितना अनुपात है 19:19 कितने वर्ष दिए हुए हमें 76, 1:1 कितना हो गया आपका 4 वर्ष हो गया, 1:4 4 वर्ष हो गया। अब इन दोनों में निकाल सकते हैं, तो 14 × 4 कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है सॉरी 14 × 4 56 हो गया, और 4 को 5 से गुना करेंगे 20 आ गया, और दोनों की जोड़ेंगे 76 वर्ष आ रहा है,
तो पिता कितने वर्ष के हैं? 56 वर्ष के, और पुत्री है 20 वर्ष की, लेकिन कब है ये? 4 वर्ष बाद है। हमसे पूछा क्या गया, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये है आपके 4 साल बाद की, वर्तमान निकालना है। तो बाद वाली अगर आपसे पूछे 4 साल बाद की आपकी बता दी जाए, तो आपकी निकाल दोगे, क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो इसमें 4 कम करेंगे तो पुत्री हो जाएगी 16 वर्ष की, ठीक है? तो पुत्री हो जाएगी 16 वर्ष की, इनमें से कोई नहीं, टेंशन मत लिया करो। अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा, इनमें से कोई नहीं है ना, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हो सकता है मेरा क्वेश्चन गलत हो, ठीक है, मैंने गलत कर दिया, कहीं पे मिस्टेक कर दिया हो, लेकिन आप उसको करेक्ट करोगे, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैंने समझा दिया, मैंने तरीका समझा दिया। आप जानते हो कि बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, सभी से गलती होती है, और टीचर से ज्यादा गलती होती है, स्टूडेंट से कभी गलती नहीं होती है, ठीक है। जब वो सीख जाता है ना, उससे गलती नहीं होती, क्योंकि वो एक एक चीज छोटी छोटी चीज देख के करता है, वो टीचर एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, पता नहीं चलता कि कब गलत हो गया। तो यही चीज है, बिल्कुल सही है, वैसे टेंशन मत लो। तो कितना हो गया आपका यहाँ पर? 16 हो गया। इनके 4 साल पूछे, 4 साल पहले की पूछेगा तो 52 हो जाएगा। इनको जोड़ लो यार, कितना है 52 और 16 कितना है? यहां से 8 और 6 68, तो हमारा यहां से क्या दिया हुआ था? 68 ही तो आया था हमारा। बिल्कुल सही है, टेंशन मत लो, सही है, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, स्टूडेंट को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चैंपियंस को अपने आप पे विश्वास होता है। अभी हमारे कुछ चैंपियंस निकल के आए हैं ना, जिन्होंने जीते हैं, जिन्होंने मेडल्स जीते हैं, उनको अपने आप पे विश्वास था। कंडीशन का कुछ बोलते हैं कि सर हमारी कंडीशन खराब है, ये चीज है। जितने भी चैंपियंस बने हैं ओलंपिक्स में देख लो, इतिहास उठा के देख लो, वो सभी बुरी कंडीशन वाले बने हैं। जिनकी कंडीशन अच्छी है ना, वो सिर्फ बहाने बनाते हैं। जिनकी कंडीशन खराब होती है, जिनको उनकी जरूरत होती है, वही चैंपियंस बन के निकलते हैं। मीराबाई चानू को देख लो आप, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, सभी चैंपियंस वही बनते हैं, ठीक है। और अभी आपको जो मोटिवेशन वाली होगी ना, उन चैंपियंस के लिए ही मैं बनवा रहा हूं कि चैंपियंस वाली आनी चाहिए। आगे है कि सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, उनकी कुल आयु का योग 68 है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। अभी जो टाइप कर रहे थे उसी का है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या बोला गया? सीता जी और गीता जी हैं, ठीक है, फिर से लड़कियां आ गई हैं। अब मैंने नहीं, ये क्वेश्चंस बुक्स वाले ने बनाए हैं भाई, ठीक है, और एग्जामिनर ने बनाए हैं, एग्जाम में आते हैं। तो सीता और गीता की कितनी होगी? 8:9 होगी अनुपात। इसके बाद है इनकी आयु का योग 68 बोला गया है। तो अनुपात देखे तो कितने अनुपात है? 17:1, और 17:1 का मतलब 68, 1:1 का मतलब 4 वर्ष। बात समझ में आ गया ना, ठीक है, आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। 17:68, 1:4। आगे क्या बोला गया कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद, तो अभी पहले वर्तमान की निकाल लेते हैं। तो वर्तमान की 8×32 होगी सीता जी की, और यहां पर 9×36 हो गई, ये होगी वर्तमान आयु। क्या है ये? वर्तमान की है, वर्तमान की हो गई। अब हमसे क्या पूछा है, 10 वर्ष बाद की निकालेंगे, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो 42 वर्ष हो जाएगी, इसमें से 10 जोड़ेंगे तो 46 वर्ष हो जाएगी। 2 से काटे 21, 2 से काटे 23, 21:23 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा। कितना हो जाएगा? 21:23। 21:23 सीता जी की हो गई, और गीता जी की कितनी हो गई आपकी? 23:23। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया ना कैसे हुआ कि 9 और 8 अनुपात था वर्तमान में, कुल दे दिया गया हमें 68, तो कुल अनुपात है 17, तो 17 = 68, 1:4 वर्ष। तो हमने यहां पर निकाल ली कि अभी वर्तमान में कितनी कितनी है, 32 और 36 है। 10 वर्ष बाद क्या होगी? 10 जुड़ जाएंगे तो 42 और 46 हो जाएंगे। अनुपात में निकालना है तो जितना कट सकता है काट देते हैं, तो 2 से कट रहा था दोनों पे, तो 21 और 23 आपका आंसर हो गया। तो 21:23 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। इनके अलग अलग पूछे तो भी निकाल सकते हो कि क्या पूछा था, 10 वर्ष बाद की, तो 10 वर्ष बाद की इनकी 42, 10 वर्ष बाद इनकी 46। ये तो सिंपल था, क्योंकि 32 और 36 तो हमारे पास निकल ही आया था उसमें जोड़ के, तो ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। 10 वर्ष बाद की पूछे तो भी निकाल दोगे, और आपसे अनुपात पूछे तो भी निकाल दोगे, ठीक है, इसलिए मैंने करवा दिया। अब देखिए ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है, बाई चांस ये अगली टाइप आ गई है, ठीक है, इसलिए मैंने 3 का बोला था। चौथी टाइप क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ये पूछ ली जाती है। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है, तो ए और बी की कितनी दी हुई है? 36 वर्ष और 16 वर्ष दिया हुआ है इनकी आयु का अनुपात। तो कितने वर्ष के बाद ए की आयु बी की आयु की दुगुनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो देखिए इसको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है,
इसको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। क्या है कि ए और बी की आयु का अनुपात 16 वर्ष 36 वर्ष और 16 वर्ष है। अब क्या बोला, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी, ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो दुगनी बनाना है तो क्या करेंगे, इसकी 36 वर्ष है, कितने वर्ष बाद, मतलब इसमें कुछ तो जुड़ेगा, कुछ तो साल जुड़ेगी, ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ साल जुड़ेंगी, ठीक है, ये बाई चांस पूछा जाता है, इसको एक्स ही करते हैं कि 36 वर्ष है, इसमें कुछ साल बाद जुड़ेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो हमें तो कुछ तो जोड़ना पड़ेगा, एक्स तो हमें लिखना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकते हो आप, के कुछ भी कर सकते हो, कि 36 वर्ष के बाद कुछ वर्ष जुड़ेंगे तो होगा। इसके बाद बोला 16 में भी कुछ वर्ष तो जुड़ेंगे, ठीक है, कुछ वर्ष जुड़ेंगे, लेकिन क्या बोला, दुगनी करनी है, ये दुगनी होगी, दुगनी कब होगी, बराबर करना है तो इसको 2 से गुना कर देंगे। बेसिक वाली क्लास जिसने देखी होगी वो इस चीज को समझ गया होगा, और जो इस चीज को समझ गया उसका आंसर भी निकल गया। फिर से देख लो कि 36 साल अभी दिया हुआ है ए की, ये ए का हमने लिखा है, ए की 36 साल दिया हुआ है, ए बी का है, तो उसमें से क्या होगा, कुछ साल बाद होगी ना, क्योंकि अभी तो है नहीं, तो कुछ साल बाद होगी, तो मतलब कुछ जुड़ेगा, तो एक्स हमने जोड़ दिया। सेम ऐसा ही 16 है और इसमें कुछ साल बाद जुड़ेगी तो एक्स जुड़ जाएगा, लेकिन क्या बोला, ये दुगनी होनी चाहिए, तो ये दुगनी है तो बराबर हमें करना है, तो उसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, इसका दुगनी बोला है, इसी को 2 से गुना कर देंगे, नहीं, ये पहले से ही दुगनी है, ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए उसको 2 से गुना करना पड़ेगा, बस सिंपल सा है। तो अब क्या है, 36 प्लस एक्स वहां से आ गया 32 प्लस 2x, एक्स को उधर लेके जाएंगे, 32 को इधर लेके आ जाएंगे, 36 माइनस 32 बराबर 2x माइनस का x, यहां से आ गया आपका x, यहां से आ गया 4, तो x का मान कितना आ गया, 4 वर्ष बाद, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, समझाया, इसलिए 4 स्टेप बने हैं, वरना आप देखो यहां पर जो हमने लिखा, यहां पर हमने लिखा, यहां से लिखते ही आपका आंसर आ गया, सिर्फ 2 स्टेप में ही आपका आंसर आ गया, यहां से आपको पता है ये x उधर जाएगा, 2x में से x गया, x बचेगा आपका, x बचेगा, इधर 36 में से 32 गया, 4 बचेगा, है उतना ही सॉल्यूशन, उतना ही है, जैसे पहले हम 3 स्टेप कर रहे थे, इसमें क्या था, क्या था, 1 2 3, इसमें भी क्या किया है, 1 2 3, है उतना ही, लेकिन सिंपल मैंने आपको बता दिया ना, कि ये लिखना सीख गए तो आप समझ जाओगे, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है, ठीक है, बेटी की आयु से 8 गुनी है, तो 8:1 हो गया, ये 1 है, ये इससे 8 गुनी हो गई, 8 वर्ष बाद मीना और उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 होगा, कितना है, 10:3 होगा, कितने, 8 वर्ष बाद, क्या है, 8 वर्ष बाद है ना, 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद, तो हमें बताना है, सॉरी 10:3 होगा, तो मीना की वर्तमान आयु हमें बतानी है, ये गुनी वाला भाई आ गया, गुनी का मतलब ये अनुपात है ना, बना दिया ना हमने अनुपात, 8 गुना है तो 1 और 8, ठीक है, जिसकी ज्यादा है उसकी 8 हो जाएगी, जिसकी कम है उसकी 1 हो जाएगी, ये हो गया। अब यहां से देखें तो 1 से 3 हुआ, मतलब 2 इंक्रीज हुआ, 8 से 10 हुआ, मतलब 2 इंक्रीज हुआ, तो 2:8, 2:8, 1:4, 1:4 हो गया। अब इसको करेंगे 4 से तो 32 और इसको करेंगे तो 4। अब हमसे पूछा है मीना की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है, मीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो हमारा आ गया 32 वर्ष, ठीक है, पुत्री की कितनी है, 4 वर्ष। किसी से पूछ ले, गुनी वाली से भी घबराना नहीं है, ये सिर्फ इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें क्या बोल दिया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने समझाया, वरना बाई चांस ही ऐसे पूछा जाता है, लेकिन इसलिए समझाया, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्योंकि बोला है इसमें कंपेयर किया गया है, ठीक है, बताया नहीं गया कितने साल जोड़ा गया, कितना अनुपात जोड़ा गया, ये नहीं बताया गया, तो इसको हमने मानना पड़ा, इसको तो हमने निकाल दिया, ये तो सिंपल सा था, ठीक है। तो ये हमारा समाप्त होता है यहीं पे, और अभी 7 बजे जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारा जो करियर मेकर चैनल है उस पे ये वीडियो आ चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जो देख लेना, जो भी स्टूडेंट है वो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वो तो आप बिना कहे कर ही देते हो, लेकिन चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक।